वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। इधर लगभग 700 ग्राम चिकन है, 4-5 कांदे, थोड़े से कटे हुए अदरक, 2 तेज़ पत्ते, 1 स्टार दालचीनी, लौंग, 3 इलायची, दालचीनी, ये सब 4-5 कांदे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम रखा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। उसके बाद इसको लाल होने तक चलाते रहना, कांदे सुनहरा होने तक इसको पकाते रहना। इस तरह उसके बाद इसमें चिकन डाल देना। चिकन का पानी इस तरह से फूल जाएगा, चिकन में बास नहीं आएगी। इसमें सारे मसाले ऐड करने के लिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, अदरक, दालचीनी, 1 स्टार, 2 इलायची, लौंग और 4 इलायची मैंने डाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। इसको तीखा खाने का और ज़्यादा डाल सकते, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 पीस के आपके लहसुन, इसलिए इसका पेस्ट भी डालेंगे। फ्रेंड, मैंने गोश्त के सारे पानी सुखा दिए और ये गोश्त भी, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया, गल भी गया। मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, अब उसमें कटे हुए कांदे डाल के उसको लाल कर दिया। इधर जितने मसाले थे मैंने उसको पीस कर मिक्सी में रेडी कर लिया। इसको लाल होने तक पकाते रहना, फिर उसके बाद मसाला डाल के फिर से लाल करना, उसको भूनना। उसके बाद चिकन डाल करके भूनना। इस तरह से मसाला डालकर मसाले को भूनते रहना है, जब मसाला का पानी सूख जाए इस तरह से तेल दिखने लगेगा और मसाले से खुशबू आने लगेगी। इस तरह से 2-3 मिनट तक मसाले को भूनते रहना। देखिए फ्रेंड्स, पूरे मसाले के पानी खोल दें। उसके बाद इसमें ये लाल के वो चिकन है उसको इसमें डाल देना है। माता, ऐसे चिकन रेडी हो गया है, गल चुका है, ये पक गया है। मसाले में डालकर थोड़ा और इसको पका लेना ताकि मसाला का टेस्ट चिकन के अंदर चला जाए। हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घर में चिकन की रेसिपी ज़रूर बनाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कैसा लगे ये रेसिपी बनाने के बाद
कमेंट करना और लाइक करना। आपके पूरे फैमिली को बहुत पसंद आएगा। इस तरह भूनते रहना। घर में लोग पूरियां चाटते रहेंगे इस तरह की रेसिपी खाकर। चिकन की बार बार बनाने को बोलेंगे घर वाले। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ऐसी रेसिपी भुनी हुई चिकन की। इसको पकने के लिए ढक्कन से ढक देना है। इसको 5 मिनट तक ढके रहना। उसके बाद हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा।